बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रचने जा रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान जल्द ही 300 करोड़ की मेगा बजट की फिल्म बनाने वाले हैं और इस फिल्म के लिए सलमान ने लीड रोल के लिए इरफान खान को चुना है और इस फिल्म को लायंस ऑफ द सी नाम दिया जा सकता है। यह फिल्म सिख वकील गुरदीप सिंह के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कामफत मरू में फंसे यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। सलमान इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं तो इंडियन बिजनेस टाइकून अजय विरमानी इस फिल्म के सह निर्माता है। जानकारी के मुताबिक सलमान खान फिल्म्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने बताया है कि इरफान खान इस फिल्म में गुरदीप सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके संघर्ष की कहानी इस फिल्म में दिखाई जाएगी। इस फिल्म में उन सरदारों, मुसलमानों और हिंदुओं की कहानी है जिन्हें नस्लीय बताकर बंदी बना लिया गया था। हम जल्द ही इस फिल्म के डायरेक्टर और कुछ और कलाकारों की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना सन 1914 की है, जब ब्रिटिश राज से बचने के लिए 376 भारतीय भाग रहे थे और दक्षिण एशियाई सागर में फंस गए और शंघाई, हांगकांग, योकोहामा और वैंकूवर के माध्यम से कनाडा के लिए पलायन करने का प्रयास करते हैं। फिल्म हीरो के बाद यह सलमान की दूसरी फिल्म होगी जिसके वह प्रोड्यूसर होंगे। इस फिल्म के लीड रोल के लिए सलमान ने लेजेंडरी एक्टर इरफान खान को चुना है, जो इससे पहले भी समुद्री यात्रा पर आधारित फिल्म लाइफ ऑफ पाई में काम कर चुके हैं। बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक फिल्मों का दौर चल रहा है और दर्शकों द्वारा इसे पसंद भी किया जा रहा है। देखते रहिए टीपी लाइव।